हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, ये आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। समरी के ऊपर आज फोकस नहीं करेंगे बिकॉज आज एक्सपायरी हो चुकी है, सो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा रीड करने का। सो सीधे हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपने होल्डिंग डेटा पे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर के डेटा की। इंडेक्स फ्यूचर पे दोस्तों, क्लाइंट के पास अब 3300 जो है लॉन्ग रह गया 46,000 के सामने। डीआई के पास 21,000 जो है शॉर्ट है, पहले की तरह सेम है। एफआई ने अपने शॉर्ट को क्लोज करके लॉन्ग मुझे पोजीशन कन्वर्ट की है। 1600 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गया। प्रो के पास भी शॉर्ट के जगह पे लॉन्ग आ गया 16,000। और इंडेक्स कॉल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट अब लॉन्ग से जो है शॉर्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। 74,000 इनके पास जो है शॉर्ट है। यहाँ पे देखेंगे अगर डीआई के तो कोई पोजीशन नहीं है। एफआई के पास देखिए 265 जो है लॉन्ग थे, अब इनके पास 159 जो है लॉन्ग है। सो लॉन्ग इनके कम हो गए हैं पूरी तरीके से। प्रो के जो शॉर्ट थे 4 लेग जो कल कॉल जो है शॉर्ट किए थे, वो अब सिर्फ और सिर्फ 85,000 शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास सेम जो पहले सेल थे वही जो है रोल ओवर हुए। 5 लाख इनके पास स्टिल जो है इंडेक्स पुट जो है सेल है। डीआई के पास 66,000 इंडेक्स पुट लॉन्ग है, सो इस एक्सपायरी के जो भी थे वो प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। एफआई ने भी 398 के सामने जो है 3 लाख जो है पुट रखा हुआ है, सो ऑलमोस्ट 90,000 जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, बाकी रोल ओवर किया है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 20,000 जो है पुट थे, अब जो है वो 1,15,000 हो गए। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की, तो क्लाइंट के पास वही 13 लाख जो है लॉन्ग है। डीआई के पास 14 लाख जो है शॉर्ट है। एफआई के पास 142 जो है शॉर्ट है, सो पहले से कुछ शॉर्ट बढ़े हैं। और प्रो ने कुछ लॉन्ग इंक्रीज किए है, 283 लॉन्ग है 233 के सामने। तो दोस्तों डेटा का जो आउटकम निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि सेम डेटा जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कुछ क्लाइंट ने अपनी पोजीशन इधर उधर की है, आइए उसको एम टू एम के बेस पे देखते हैं कि किसके किसके पास कितने जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन होल्ड है। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लाइंट को चेक करते हैं। क्लाइंट के पास 3300 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और 74,000 जो है इनके पास इंडेक्स कॉल जो है शॉर्ट है, और इसके बाद 5 लेग जो इनके पास पुट भी शॉर्ट है। तो टोटल इनकी जो पोजीशन हो जाएगी 432, इनके पास 4,32,000 दोस्तों पोजीशन लॉन्ग है। अब बात करेंगे एफआई की। एफआई के पास देखिए 1600 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग हो गया, और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 159 जो है लॉन्ग है यहाँ पे, और जो पुट लॉन्ग है वो 321 है। सो टोटल इनकी पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 1,60,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 16,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, 85,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल शॉर्ट है, और 1,15,000 जो है यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है। तो टोटल जो एम टी एम पोजिशन होगी वो हो जाएगी 185 शॉर्ट सेल। तो ये जो दोनों हमारे बड़े ट्रेडर हैं, इन्होंने अपनी जो पोजीशन सेल साइड जो है रोल ओवर की है, और क्लाइंट भी अपने सेम पोजीशन लॉन्ग को जो है रोल ओवर कर दिया। कुछ डेफिनेटली मंथली केस में पोजीशन ऑलरेडी होंगे जो कि पहले से ही बने होंगे, और जो वीकली पोजीशंस थे उसको उन्होंने यहाँ पे लॉस बुक नहीं किया बल्कि रोल ओवर किया। जो 5 लाख 6 लाख इनकी जो पुटे सेल चल रही है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, और एफआई के जो पुट लॉन्ग है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। प्रो के डेटा कंटिन्यूसली चेंज हुए हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जो डेटा आया है सेल वाला वो रोल ओवर हो रहा है। सो अगेन मार्केट जो है अपने लोअर लेवल को जो है तोड़ता हुआ दिख रहा है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने शेयर किया है थोड़ी देर पहले जो कि सेल ऑन राइज के हैं, जो कि बहुत ही पिन पॉइंट लेवल परफेक्टली वर्क किए हैं, आज भी आपने देखा होगा वो लेवल इसमें दिए गए हैं, जरूर देख लीजिएगा और उसको आप यूज करके ट्रेड में जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ऑप्शन चैन को देख लेते हैं दोस्तों, ये 7 सितंबर का जो है डेटा है यहाँ पे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में 15 लाख जो है कॉल सेलर है एंड 11 लाख जो है आपके पुट सेलर है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी ये आपको चेंज इन वाई दिख रही है, ये सब जो है आज सेल की पोजीशन बनी है फ्रेश में, और सबसे हाईएस्ट जो ओआई है नियर में 44,000 पे है, जो बिल्कुल एटीएम की स्ट्राइक है। और पुट साइड में भी देखेंगे तो 44,000 पे ही हाईएस्ट ओआई है। बाकी इसमें देखेंगे तो ये जितनी भी सारी पुटे हैं या तो लॉन्ग हुई है और या तो राइट ऑफ हुई है जो सेलिंग वाली थी, और ये जो ओटीएम में जो पुट दिखाई दे रही है वो सेलिंग वाली है। यहाँ पे काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग जो है डेटा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है जो कि 44,000 है, यही डिसाइड करेगा मार्केट में करो या मरो की सिचुएशन क्या होगी। कि अगर आप 43,945 के नीचे हैं तो आपको यहाँ पे सेल बटन दबाने हैं लोअर लेवल पे,
अगर आप 44 को होल्ड कर रहे हैं किसी भी एंगल से तो आपको सेल बटन नहीं दबाना है, कॉन्ट्रा के लिए बाई करना है। अगर आपको दिखेगी मार्केट रिट्रेसमेंट लेके अच्छे से निकल रहा है प्रॉपर होल्ड करके, बिकॉज आप यहाँ पे कॉन्ट्रा सोच रहे हो, तो कॉन्ट्रा वन टाइप में आप जाके एंट्री नहीं लोगे, वेट करोगे प्रॉपर, उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हो। और अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इसके आसपास होना चाहिए, बिकॉज अगर ये लेवल जाएगा तो यहाँ से डायरेक्शनल फॉल हो जाएगी 200 से 300 पॉइंट की। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लेवल टूट रहा है तो आपको सेल बटन दबाने हैं और आपके टारगेट जो है यहाँ पे इस तरीके से स्टेबल होंगे, और उस तरीके से आपको भी अपने पोजीशन को स्टेबल करके चलना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चैन की, तो निफ्टी का ऑप्शन चैन में देखिए यहाँ पे टोटल जो है 10 लाख के जो है कॉल सेलर है एंड 9 लाख 83 के पुट सेलर हैं। सो मोटा मोटी डेटा जो है काफी बैलेंस्ड दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी में। सो निफ्टी में जो है यहाँ पे रिवर्सल जो है पॉसिबल है, अगर 310 का लेवल ये निकाल लिया, 253 की क्लोजिंग है, हाईएस्ट वाई अगर देखेंगे तो आपका 90,300 पे अभी नियर में है, 61,000 का जो पहले जो है एक सपोर्ट हुआ करता था वो काफ़ी अच्छा जो है एक रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है। सपोर्ट के बेस पे देखेंगे तो 90,200 पे जो है सपोर्ट जो है अभी मूव किया है, जहाँ पे 88,000 का जो है यहाँ पे ओआई दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो आईटीएम से लेकर नियर ओटीएम तक जो है पुट में बाइंग है, काफ़ी अच्छी बाइंग है। यहाँ पे हर स्ट्राइक में जो है सेलिंग दिख रही है, जो इसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो कंप्लीट जो है सेलिंग का आ रहा है। सबसे जो हाईएस्ट वाई है जो कि सेल ऑन राइज के लिए यूज कर सकते हैं वो है 90,400। 90,400 एक बहुत ही उम्दा जो है रेजिस्टेंस है, सो इसको निकालने में मार्केट को जो है पसीने यहाँ पे आ सकते हैं, इसके ऊपर ही आपके रिवर्सल की संभावना होगी। अभी राइट नाउ जो मार्केट ऐसा प्लेस्ड हो रहा है धीरे धीरे, जो कि 19,000 तक जाता हुआ धीरे से दिख रहा है। सो 90,000 का टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली ओपन हुए हैं, और अगर आप 90,225 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ से सेलिंग जो है कन्फर्म हो जाएगी और पॉसिबल है कि बाजार धीरे से स्लिप कर जाएगा। अभी आपको राइज पे कभी भी बाई नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है, राइज पे जो है सेल का जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है। सो आपको सेम जो है पोजीशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करनी है अपनी सेल ऑन राइज वाली, अगर इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड हो रहे हैं तभी आपको बाई करना है, और बाई में आपको टारगेट छोटे रखने हैं, सेल में आपको टारगेट बड़े रखने हैं। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने सेशन में दिया है, जरूर देख लीजिएगा, हर जगह आपको लेवल मिलता होगा, लेकिन जो हमारे लेवल है वो पिन पॉइंट होते हैं, एक बार देखिए, एक वीक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लेवल कैसे हैं। टेलीग्राम पे नहीं है तो लाइव ऑप्शन कॉल के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए, @NiftyYD है, लिंक नीचे पिंग है, वहां भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आज की जो प्रॉफिटेबल कॉल थी उसको भी आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको ये कॉल चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।